तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पता चलता है जितने भी आयन और है ना वो सभी उन जू एरिया के अंदर यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा मेकेटा दिमाग लगाने लग जाता है कि जो वाटर टेलीपोर्टेशन डिपार्टमेंट है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर आता है, जो कि क्यू आई पार्टी के अंदर आता है। और क्यू आई पार्टी तो भाई विच लू के साथ यहाँ पे मिला हुआ है बुरा बुरा काम करने के लिए, और वो सभी उन जू के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी ये भी कनेक्टेड है। पहले ना भाई गुंडे लोग को सपोर्ट के लिए वेपन वगैरह दिए जा रहे थे, अब उसी एरिया के अंदर ना ये आयन और भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। लेकिन इस आयन और का क्या ही करेंगे भला, जो जिएंगे ना ये भी कहता बोल यार तेरे हरकतों से लगता है तूने पहली बार नहीं इससे पहले भी ऐसा कांड किया था, ये आयन और तू किसको लेके जाके देगा। वो भी कहता आई डोंट नो, कोई भी बंदा हो सकता है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। रही बात मैंने हाँ सच्ची में ये तीसरी बार मैं करने जा रहा हूँ, और इसको मिला के टोटल ना 1000 से ज्यादा किलो हमने टेलीपोर्ट कर दिया। जैसे लोग सुनते कि अभी 1000 से ज्यादा किलोग्राम इसने टेलीपोर्ट कर दिया, लगता है ये जो लोग भी इलीगल काम कर रहे ना कुछ ना कुछ गंदा और कुछ बुरा ही करना चाहते हैं। जो सारे बंदे ना उन पर नजर यहाँ पे रखो, किसी को भागने मत देना, और हम लोग यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो अंदर साइड ना हमारा जियांग साथी में गवर्नर जांग और साथी में हमारा शाओ कैन, तीनों बैठ के डिसीजन यहाँ पे ले रहे थे। यहाँ पे पूछा जाता बोलो तुम्हारा क्या विचार है, ये लोग कहते हमारा क्या विचार है, हमको लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है ना उसका हाथ हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन मिनिस्टर यहाँ पे था उसको तो भी हमने पकड़वा दिया था, एक्सपोज करके मरवा दिया था। और जो क्यू आई पार्टी के अंडर में इंडस्ट्री आती है ना वो भी पूरी हिली हुई है, क्यू आई पार्टी अभी के लिए हिली हुई है, तो भी ये सारा काम उनके द्वारा हो सकता है मुझे तो नहीं लगता। हमारे मेकेट के तो यार पहले हमारा शक यहाँ पे गया, जो क्यू आई पार्टी है ना वो जो कमांडर यहाँ पर उसके साथ मिलकर गुंडलों को सामान यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है उसके बारे में हम पता करने गए। और अभी के लिए भी है ना आयन ओर सप्लाई हो रहा है यूज एरिया के अंदर, यानी ये भी शायद गुंडे लोग को टेलीपोर्ट हो रहा होगा। लेकिन इस आयन ओर का करेंगे तो करेंगे, खाने पाने की चीज़ें करते समझ आता, वेपन करते तो समझ आता, आयन ओर का भाई आयन ओर का लोग करेंगे तो करेंगे क्या। जो सुनते गवर्नर जांग कहते हुए तो यार इन सामान को करेंगे क्या, डाउट यहाँ पे आ रहा है। आयन ओर जाए, गन पाउडर हो जाए, ये नमक हो जाए, ऐसी चीज़ें ना टेलीपोर्ट करना एक हिसाब से इलीगल भी यहाँ पे मानी जाती है। यानी देखा जाए तो भाई ऐसा करने से हमारा टाइम है ना डिले हो सकता है, और डिले यानी मजा आ गया, वाह या तुमने सही किया। हमारा शौक क्यों नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, डीले हो गया तो बुरी बात हो गई ना, इसको मजा यहाँ पे कई को आ गया। गवर्नर जांग कहता भाई ये जो तूने पता किया ना भाई ये काफ़ी बड़ा मामला पता किया, तो इसके बारे में ना हम बता सकते हैं भाई राजा वगैरह को, तो जाहिर सी बात इनाम भी मिलेगा और तारीफ मिलेगी, शवासी मिलेगा वो अलग से यहाँ पे हो जाएगा, वो सारी बातें छोड़ो। और अभी के लिए बैठ के आगे क्या करना है वो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम तीन चीज कर सकते हैं, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं, इनसे रिश्वत लेके उनको छोड़ देते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकंड, इनके साथ मिलकर जिस एरिया में लोग आयन और सप्लाई कर ना उस एरिया में जा सकते हैं पता करने के लिए कि मेन गुनेगार कौन है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तीसरी चीज जो कि सबसे सही यहाँ पर है कि जो वाटर टेलीपोर्टेशन डिपार्टमेंट है ना हम उनके पास यहाँ पे जाते हैं, उनको सारी बातें बता देते हैं। हाँ तो हम यही करेंगे। तो अब आते भाई कुछ समय बाद उसी एरिया की ओर जिस एरिया की ओर है ना ये वाटर टेलीपोर्टेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे था, तो नाउ से निकलते हैं। हाँ तो बाकी पब्लिक देखे कन्फ्यूज की भैया तो नाइट वॉचर्स यहाँ पर है, साथ ही में शिप को कुछ बंदे लग रहे हैं, उनको पकड़ा गया है, कोई बुरा काम किया क्या उन लोगों ने। और तभी हमारा जो गवर्नर जांग नाम हमारे मेन कट को बताता कि जो जितने भी भाई बिजनेस यहाँ पर होते हैं जिसमें पानी से भाई बिजनेस करना ना वो सबसे प्रॉफिटेबल यहाँ पर होता है, जिससे हमारे देश को बहुत ही फायदा होता है। लगभग 20 साल पहले ना सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया गया था, उसके 2 साल बाद ना वाई गोंग और वांग साउ नाम का भी कोई मिनिस्टर यहाँ पे था, वो लोग आए थे, अच्छे सब कुछ मेंटेन किए थे, जिसके चक्कर में देखो आज इतना अच्छे से बिजनेस यहाँ पे होता रहता है। हमारा मेन कट सोचता कि अच्छा वाई गोंग भी था और साथ ही में वांग साउ भी यहाँ पे था, उन दोनों ने मिलकर किया था, पक्का जो राजा ना राजा ने यहाँ से करवाया होगा। यानी 20 साल पहले काम पे ध्यान देता था, अब ज्यादा काम पे ध्यान नहीं देता। अब आते हो फाइनली डिपार्टमेंट की ओर, तो डिपार्टमेंट के कहने वही आता और कहते गवर्नर जांग आप यहाँ पर आए हो क्या, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, आइए आइए आप लोग अंदर आइए ना। तो लोग अंदर जाते हैं, अंदर बैठते हैं, एंड वही कहते कि भाई आप लोग अचानक से ओ पक्का ट्रैवल कर रहे होगा, ट्रैवल करते करते थक चुके रहोगे, तो सोचा हमारे डिपार्टमेंट में आके आराम कर लो। मनी मन सोचते कि अरे यार क्या हो गया यार, ये बंदा सामने से कुछ बोल कहीं को नहीं रहा, इतने एटीट्यूड में कहीं को बैठा हुआ है, नाइट वॉचर्स यहाँ पर साथ में आए तो मेरी भी हल्की सी फट यहाँ पे रही है। तो अपना गवर्नर भी कहते कि ज़्यादा खुश यहाँ पे मत हो, मैं तुमको एक कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ, जल्दी से आगे लाओ। तो सारे शिप के जो बंदे लोग थे ना उनको आगे लाया जाता है, तो ये एनवॉय भी देख के चौंक जाते हैं, भाई इन बंदे लोग को तुमने पकड़ा काहे को, इन बंदे लोग ने हमारे बंदे लोग के कपड़े काहे को पहने हैं, ये तो हमारे बंदे ना जो सामान टेलीपोर्ट करते हैं। जो सुनते ही गवर्नर कहता बिल्कुल ना ये तुम्हारे बंदे नहीं है, तुम्हारे बंदे लोग को मार के उनकी जगह इन्होंने ले ली थी, उनके शिप पे भी कब्जा कर लिया था, और पूरी की पूरी सच्चाई बता दी जाती कि भाई ऐसी ऐसी बातें। जो सुनते ना उस अनुवाय के गोटे मुंह में आ जाते, क्या ऐसा हो गया, फिर तो गया भाई, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि कुछ यहाँ पे ना हो, लेकिन तो भी हो गया। हमारा मेक कट अभी देखते क्या इस एरिया के इंचार्ज यही है, और यहीं से शिप यहाँ पे गया था, और शिप के बंदे लोग संभारे गए, इन्होंने कब्जा यहाँ पे कर लिया, और इसको कुछ आइडिया भी नहीं था, तो जाहिर सी बात इसकी तो फटेगी भी ना। हमारा गवर्नर कहता तुझे सच्ची में आइडिया नहीं,
कहता कहीं ऐसा तो नहीं है तू भी इन लोग के साथ मिला हुआ है। वो कहता ना बिल्कुल ना, मुझे इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सेठ का एक लड़का था वो कहता यस इसने सच बोला, इसको सच्ची में कोई भी आइडिया नहीं था। तो हमारा गवर्नर भी कहता चलो बहुत ही बढ़िया, एक हमारे सवाल का यहाँ पे जवाब दे। मेन जो शिप था जो इसने भाई सामान टेलीपोर्ट यहाँ पे करवाया था बताओ उसका इंचार्ज यहाँ पे कौन था? तो मैंने पहले यहाँ पे बोला था गैंग यून नाम का एक बंदा था जिसके बारे में कैप्टन ने बोला था। हाँ तो गैंग यून उसका नाम यहाँ पे नहीं है, बल्कि गैंग यून मतलब वाटर टेलीपोर्टेशन डिपार्टमेंट, उसको चाइनीज में बोला जाता था। तो मेरे को ये कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन अब उस बंदे का नाम मालूम चलता है यांग का ही उसका नाम यहाँ पर है। हाँ तो हमारा गवर्नर कहता चलो यांग के पास लेके चलो। हाँ तो एक घर के बाहर आते हैं, यांग का घर था, वो बोला जाता है यांग के बच्चे जल्दी से बाहर निकल, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ते लोग दरवाजा तोड़ के अंदर चल जाते हैं, यांग के कुर्सी पर बैठा हुआ था मरा हुआ था, यानी भाई लोगों ने मार डाला उसे। जो देखते हैं नवैन बॉय के फटके चार किया, अरे यार मेन गुनहगार यांग का ही था, ये मर गया और इसके मरने के बाद है ना सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, यानी मैं तो गया। इसलिए समझाता भी कि देखो यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, पक्का ये तुम्हारे डर के मारे ना इसने सुसाइड यहाँ पे कर लिया होगा। शाह को उनको बोला जाता है जल्दी से चेक करो इस बंदे का। तो हमारा मेकटर यहाँ पे चेक करने लग जाता है केवल सच्ची में इसने सुसाइड वगैरह कर लिया क्या हमारे डर के मारे, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी अभी मौत हुई है कुछ समय पहले, शायद हो सकता है जैसे हमने आवाज लगाया ना यांग के बच्चे बाहर उस समय डर के मारे इसने सुसाइड कर लिया क्या। हमारा मेकटर कहता है केवल ये सुसाइड नहीं बल्कि मुझे मर्डर लगता है। गवर्नर कहता है क्यों यार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारा मेकटर कहता है क्यों ध्यान से यहाँ पे देखो ये आराम से बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर और जैसे इसका गला कट के यहाँ पे मौत हुई है, जब बंदा खुद का भी गला काटेगा ना सुसाइड करने के लिए उसको दर्द होगा और दर्द के मारे तड़पेगा और तड़पने के चक्कर में यहाँ हुआ हिलेगा, वो कुर्सी पे कभी भी बैठा नहीं रहेगा, लेकिन ये कुर्सी पे बैठा हुआ यहाँ पर, यानी कि इसने पकड़ के इसका गला काट के यहीं पे छोड़ के निकल यहाँ पे गया, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते। उसको तुम्हारे शौक बन गया ध्यान है ना हाथों पे जाता और कहता कि ये जो बंदा ना पक्का लेफ्ट हैंड होगा ना। एन वाई कहता कि हाँ ये लेफ्ट हैंड वाला था, तुझे कैसे मालूम? हमारा शौक बन कहता क्योंकि जब कोई बंदा लिखने वाला काम करता ना तो जिस हाथों से लिखता है उसके हाथों पर उसका निशान बन जाता है, जो देख के तुम कह सकते हो कि बंदा लिखने का काम करता है और इसके लेफ्ट हैंड में सेम निशान यहाँ पर है, यानी ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे था ना। वो कहता यस यस। हमारा शौक बन कहता हाँ लेकिन लेफ्ट हैंड यहाँ पे था, यानी कोई भी काम है ना ये लेफ्ट हैंड से करता होगा, लेकिन जैसा निशान इसके गर्दन पे बना हुआ है ना कोई बंदा जो राइट हैंड का होता ना वही बंदा खाली वो निशान बना सकता है। इन शॉर्ट भाई ये इसने किया ही नहीं हो अपना मर्डर, इन शॉर्ट मतलब इसने अपने आप का मर्डर नहीं किया बल्कि किसी और ने इसका मर्डर किया है। तो जैसे ये सारी बातें गवर्नर सुनता ना एकदम चौंक जाता है, अरे बाप लिटरली कुछ ही मिनट हुआ, कुछ ही मिनट में इसने कन्फर्म यहाँ पे बता दिया कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर यहाँ पे था। भाई बहुत इसके बारे में सुना था, इतना भी कमाल का होगा मुझे लगा नहीं था। हमारा मैकेटर कहते काम करो घर में जो भी लोग यहाँ पर नौकर वोकर सबसे पूछताछ यहाँ पे करो, जैसे कि भाई किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी क्या, घर के जो दरवाजे ना सही सलामत है, खिड़की भी सही सलामत है, यानी भाई जो बंदा आया था ना जिसने मर्डर किया ये बंदा उसको पहचानता भी था, खुद ही उसने यहाँ पे बुलाया वो मर्डर किया और आराम से निकल गया, हो सकता है चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ना किसी नौकर ने सुनी हुई होगी। और तब ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते भाई अब ये जो केस है ना कितना आगे तक यहाँ पे बढ़ता है, और जो केस सॉल्व करने ये जा रहे थे और ये जो आयरन वाला केस यहाँ पर है दोनों सिमिलर यहाँ पर है या नहीं है उसका डाउट लग चुका है, तो कन्फर्म यहाँ पे नहीं है, तो वो भी अगले एपिसोड में कन्फर्म हो जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।